नमस्ते एंड व्हाट्स एवरीबॉडी, दिस इज जतिन बैल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली अभी मैं घर जा रहा हूँ किसी काम से मैं घर जा रहा हूँ। और मौसम देखो आप एक बार, पहले मौसम चेक करो और ये व्यू चेक करो, बहुत ही मस्त लग रहा है। हमारा इंडियन फ्लैग भी बड़ा अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली मैं ये वीडियो क्यों बनानी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी i20 को मॉडिफाई कराया था, और ऐसा वैसा मॉडिफाई नहीं, बहुत अच्छा मॉडिफाई कराया था। तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। बट द ड्रॉबैक है, क्योंकि मैंने सोचा था कि ग्राउंड में ले जाके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पश्चिम बिहार में रहता हूँ, तो बहुत सारे किसी को पता होगा एक फेमस ग्राउंड है रेडिसन के साथ, वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और वहाँ आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा। अब लेकिन क्योंकि डेली बारिश हो रही है और वेदर बहुत ही खराब रह रहा है, तो अब बाहर शूट कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं पार्किंग में भी आपको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ डल है, मतलब ज़्यादा लाइटिंग नहीं है। तो मुझे बस वही नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं इधर आप लोगों को दिखा दूँ या मैं रुक के वीडियो बनाऊँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। और अभी आप बस मौसम चेक करो और आप देखो कि क्या मज़े आ रहे हैं दिल्ली में। मतलब वैसे ऑल दो ये मौसम से कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, वेदर अच्छा नहीं हो रहा, गर्मी अभी भी है, लेकिन बस यही है कि जो थोड़ी थोड़ी बारिश है उसका जो मज़ा है वो है। ये मेरी है अभी नॉर्मल कार और इसको हम कराने जा रहे हैं मॉडिफाई। साइड से कुछ ऐसी दिखती है और पीछे से दिखती है कुछ ऐसी। अब क्योंकि लाइट ऑन नहीं है तो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा, बट हाँ। और साइड से अगेन तो अंदर से जो मॉडिफिकेशन कराई थी वो हमने सिर्फ इतनी कराई थी कि ये सीट कवर्स चेंज हुए थे और दैट्स इट। अब मेरा प्लान है कि पूरी रूफ़ चेंज हो जाए ब्लैक में और ये पिलर्स पे भी चेंज हो जाए, पूरी ये ब्लैक आउट हो जाए। और उसके अलावा अंदर से इंटीरियर में मुझे कुछ खास ऐसे चेंजेस कराने लगते नहीं हैं, बाकी फिर भी हम जाके पता करते हैं और देखते हैं कि कैसी रहेगी और कैसा क्या रहेगा। बाकी अंदर से मुझे ऑलमोस्ट सही लगती है, बस एक थोड़ा टाइम बाद एक स्टेयरिंग चेंज कराऊंगा, इसमें कार्बन फाइबर फिनिश वो वाला स्टेयरिंग लेना है। उसके अलावा बाहर से है जो मेन मॉडिफिकेशन आज होगी, और उसके बाद हम मिलते हैं, वीडियो बनाते हैं जब हमारा सारा काम हो जाएगा। तो ऐसी कुछ हमारी मॉडिफिकेशंस है, मैं अब डिटेल्स दूंगा आपको, पहले आप देख लो एक बार। तो जो अंदर से मॉडिफिकेशन हुई है वो ये हुई है कि इसके सीट कवर्स चेंज हुए हैं, इसके फ्लोर मैट्स चेंज हुए हैं, और इसकी जो पूरी की पूरी रूफ़ है वो ब्लैक हुई है। इसका फ्लैश ऑन करा है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरी रूफ़ ब्लैक करवाई है मैंने। और अभी हमने इन पार्ट्स को छोड़ दिया एक डुअल टोन इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि इसके यहाँ पे भी थोड़ा वैसा ही डुअल टोन है। और बट अगर मन करा तो हम फिर भी करवा लेंगे, बट इसके पिलर्स हमने पूरे ब्लैक करवाए हैं जैसे कि आप ये देख सकते हो। स्टेयरिंग में ऐसा कुछ नहीं कराया, इंटीरियर में कुछ ऐसा नहीं करवाया, बस एक सीट कवर और एक मैट एक्स्ट्रा डलवाए हैं। इंटीरियर में भी मैं स्टेयरिंग चेंज करने का सोच रहा हूँ और यहाँ पे थोड़े बहुत इफेक्ट्स देने का सोच रहा हूँ विद टेपिंग या हाइड्रो डिपिंग, वट एवर इट लुक्स ग्रेट। और अदर देन दैट बाहर से ही है जो मेजर मॉडिफिकेशन, और एक दो मॉडिफिकेशन अभी भी बची हैं। उसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैंने क्या क्या करवाया है। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो इस वजह से मैं काफ़ी व्लॉग डिले हो रहा था, विच इज़ वाई मैंने सोचा कि अब तो पार्किंग में ही बना के ख़त्म करते हैं। अब मैं और वेट नहीं करूँगा, क्योंकि 12 दिन हो गए हैं व्लॉग अपलोड करे हुए और ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि आज बना के ख़त्म करेंगे हम, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जैसे कि अभी मैंने आपको सब कुछ ऑलमोस्ट अंदर का मैंने सारा कवर कर दिया है। एक मैंने दरवाज़ों में डैम्पिंग करवाई है, डैम्पिंग इज़ बेसिकली साउंड प्रूफिंग, और
आपके जो डोज होते हैं उनको थोड़ा हैवी कर देती है, उनको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का बना देती है, उनका मेटल थोड़ा हैवी कर देती है। और यूजली दो शीट्स लगवाते हैं लोग, मैंने ढाई ढाई लगवाई है, मतलब 2.5 लगवाई है, ताकि अच्छे से एरिया कवर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आपको एक हैवीनेस और साउंड प्रूफिंग मिले, कि आपको थोड़ा बहुत भी गैप ना बचे। और अदर देन दैट अंदर से यही है, और बाकी बाहर चलता हूँ मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि बाहर हमने करवाया क्या है एक्चुअली में, तो लेट मी शो यू। और एक हमने ये ज़रूर लगवाया है, ये इसे टेपिंग कहते हैं, ये बेसिकली इसे लगवाइए ताकि यहाँ पे रस्ट ना पकड़े ये पानी से। बाहर आते हैं तो ये पूरी स्मोक्ड आउट लाइट्स हैं, उसके अलावा ये जो इधर क्रोम होता है वो भी स्मोक्ड आउट है, ये भी ब्लैक है, उसके अलावा पीछे एक स्पॉयलर ऐड करा है हमने एक्स्ट्रा, ये भी आफ्टर मार्केट स्पॉयलर है और ये भी आफ्टर मार्केट स्पॉयलर है। तो बेसिकली ये L9 में आता है और ये अलग से आता है, तो हमने ये लगवाया है, ये नॉर्मल स्पॉयलर है। उसके अलावा हमने ये स्प्लिटर्स लगवाए हैं, ये प्लेन आते हैं, इसके ऊपर हमने टेपिंग करवाई है, स्प्लिटर्स यहाँ तक आ रहे हैं। हमने ये ब्लैक आउट करवाए हैं ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा लुक अच्छी आए। उसके अलावा मेन आगे स्प्लिटर्स हैं और ये हमने एक ब्लैक करवाया लोगो, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके अलावा इसकी हमने ये लगवाए हैं, इन्हें सनशेड्स कहते हैं। उसके अलावा हेडसेट आई गेस, और हमने इसका एक हॉर्न चेंज करवाया है। और अब हम जो मॉडिफिकेशन कराने की सोच रहे हैं एक्स्ट्रा, वो क्या बचा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ इसकी रूफ ब्लैक करवाने का, मतलब मेरा मन नहीं है बट मेरे को काफी सजेशन आए कि करवा लेनी चाहिए, उससे थोड़ी इनहेंस और हो जाएगी लुक। एक रूफ ब्लैक कराने का ऑप्शन आया है, दूसरा अलॉयज चेंज करवाने हैं, और तीसरा मेरा जो मन है वो ये है स्टेयरिंग चेंज कराने का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अलॉयज मैं शायद अभी चेंज ना कराऊं, क्योंकि मैंने जब ये कार परचेज करी थी तो मेरा मेन मोटिव यही था, मैं इसमें कुछ कराऊंगा नहीं एज सच और इसको सिंपल ही रखूंगा, तभी मैंने अलॉयज वाली ली, अच्छा मॉडल लिया, बीच वाला मॉडल नहीं लिया, उससे कम वाला मॉडल नहीं लिया। बट अब क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें करवा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे वाला ले लेना चाहिए था, जिसमें ऑलरेडी सनरूफ आती और बाकी चीज़ें मैं करवा लेता। बट नेवर दी लेस अभी मेरे को अलॉयज अच्छे लग रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि कोई जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करवाऊंगा। बट हाँ, अगर मेरा मन करा तो नेक्स्ट ईयर या होपफुली दिस ईयर में भी हम करवा दें चेंज, बट अभी के लिए मैं सफिशियंट हूँ, मतलब काफ़ी, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ इतना काम बढ़िया है। और इसमें भी मेरे कम से कम आप लगा लो 35,000 तो लग गए होंगे मिनिमम, ठीक है, बाकी मैं छोटे मोटे खर्चे तो गिन ही नहीं रहा हूँ, और 35,000 लग गए होंगे। उसके अलावा मैं डिटेल्स आपको देता हूँ, बट ये मॉडिफिकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे मज़ा आया ये करवा के, मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी की लुक काफ़ी चेंज हो गई है और थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी I20 शार्प कट्स में आती है, अब पहले थोड़ी सी गोल गोल आती थी, अब थोड़ी शार्प कट्स में आती है। मैं ऐसी चला लूँ नहीं तो मैं तो बेहोशी हो जाऊँगा गाइस, थोड़ी सी आवाज़ आएगी आपको एसी की, तो उसके लिए बेयर विद मी, और बस थोड़ा सा गीला होना बंद हो जाऊँगा मैं, बस इसलिए मैं चला रहा हूँ। ऐसी कुछ इसकी एम्बिएंट लाइट्स आती हैं, एक ब्लू लाइट यहाँ जलती है, एक ब्लू लाइट वहाँ जलती है, एक ब्लू लाइट यहाँ जलती है, सेम गोज हेयर इधर भी इधर भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सफिशिएंट होती है किसी भी कार के लिए एम्बिएंट लाइट्स, कि मतलब हर जगह से ब्लू आ रही है। और अब मैंने क्योंकि मतलब वाइट लाइट्स ऐड करी जो थोड़ा ब्लूइश टच देती है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और बट अगर नहीं लगा या होपफुली ऐसा लगा कि तो हम हो सकता है एम्बिएंट लाइट्स भी लगवा दें, बट मेरा पर्सनल चॉइस है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एम्बिएंट लाइट, मुझे थोड़ी सी बेकार लगती है, मुझे ऐसा लगता थोड़ी सी गाड़ी की वो मतलब ओरिजिनलिटी और वो थोड़ा सा मतलब बेकार टच देती है मेरे हिसाब से। अगर ऑलरेडी कंपनी फिटेड है तो दैट्स फाइन, बट अगर नहीं है तो मुझे इतनी खास नहीं लगती, विच इज़ वाई मैंने डलवाई नहीं। बट हाँ, थोड़ी बहुत छोटी मोटी मॉडिफिकेशन बची हैं, वो भी हम रिकवर करवाएंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, बट अभी के लिए यही है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ मैंने अब क्या क्या करवाया है। मैंने इसकी रूफ ब्लैक करवाई है, इन पिलर्स इंक्लूडेड, उसके बाद मैंने इसमें डैम्पिंग करवाई है, इसके हॉर्न चेंज करवाए हैं, इसके अंदर स्प्लिटर्स लगवाए हैं, इसके अंदर स्पॉयलर लगवाया है, उसके बाद थोड़ी बहुत स्टिकरिंग करवाई है, जैसे कि इसके जो लोगोज हैं वो ब्लैक करवाए हैं, उसके अलावा जैसे सीट कवर्स चेंज हुए हैं, मैट्स डले हैं, तो आप लगा लो 8-9 चीज़ें हुई हैं। और इसकी लाइट्स ब्राउन थी, ये वाइट करवाई हैं, उसके अलावा और एक पीछे नंबर प्लेट पे जो लाइट होती है ब्राउन, वो वाइट करवाई है। बट अभी कैसी I20 लग रही है ये ज़रूर आप बताना, इसको बताए बिना बिल्कुल मत जाना। सो होपफुली वील मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।